नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फोनपे के न्यू अपडेट में फोनपे अकाउंट कैसे बनाना है 2022 में। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि फोनपे अकाउंट कैसे बनाते हैं न्यू अपडेट में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से फोनपे अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप फोनपे यूज करते हैं, फोनपे से पैसे ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस सब पर बहुत सारे फोनपे की तरफ से ऑफर दिया जाता है। सो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फोनपे अकाउंट कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का हेल्प वीडियो को देखने के लिए भी हार्ड टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फोनपे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोनपे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। यदि उस लिंक पर क्लिक करके आप फोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ रुपये कैशबैक मिलेगा, जितना फोनपे की तरफ से ऑफर होगा। दोस्तों, कभी कभी 200-300 तक भी कैशबैक मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके फोन में पहले से फोनपे एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, यानी कुछ फोनपे एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके फोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फोनपे अकाउंट बन जाने के बाद जब आप फर्स्ट पेमेंट कर दीजिएगा, फर्स्ट पेमेंट चाहे तो आप 1 रुपया का भी कर सकते हैं। फर्स्ट पेमेंट कर जाने के बाद आपको कैशबैक मिल जाएगा, जितना फोनपे की तरफ से ऑफर होगा। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फोनपे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है। फोनपे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको सिंपली उसको ओपन करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, तभी आप इसमें बैंक अकाउंट को लिंक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर को डाल देने के बाद में आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। कुछ परमिशन मांगे तो परमिशन को आपको दे देना है। इसके बाद आपको थोड़ा समय तक वेट करना है, जब तक कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है। दोस्तों, यदि OTP ऑटोमेटिक फिल यहाँ पे नहीं होता है तो इसको आपको मैनुअली फिल कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ परमिशन मांगे तो आपको परमिशन को यहाँ पे दे देना है, यानी कि अलाउ कर देना है। जितने भी परमिशन मांगे तो आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको फोनपे एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे दे सकते हैं कि फोनपे एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो चुका है। अब हमें इसमें बैंक अकाउंट को लिंक करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको होम पेज पर ही ऑप्शन मिल जाता है ऐड बैंक अकाउंट, उस पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। यदि होम पेज पर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो जहाँ पर लिखा है चेक बैंक बैलेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा तभी तो आपका बैंक का बैलेंस होगा। तो जहाँ पे लिखा हो चेक बैंक बैलेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बैंक ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हो ऐड बैंक अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जिस बैंक में खाता है, जिस बैंक को आप लिंक करना चाहते हैं उस बैंक का नाम आपको इसमें सेलेक्ट करना है। दोस्तों, जो पॉपुलर बैंक है आपको ऊपर ही मिल जाएगा। आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक का नाम यदि यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से उस बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। बैंक का नाम सर्च हो जाने के बाद आपको अपना बैंक के नाम पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा समय तक वेट करना है, जब तक कि आपका बैंक अकाउंट लिंक हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोनपे में बैंक अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो चुका है हमारा। इस तरह से आपका भी बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आप अपने बैंक के साथ में पहले से UPI पिन बनाए, भीम UPI पिन को पहले से बनाए हैं तो आप उसी UPI पिन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नए UPI पिन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आप पहले से UPI पिन नहीं बनाए हैं या आप UPI पिन को भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा रीसेट पिन, आपको इस पर क्लिक करना है। UPI पिन सेट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ATM कार्ड का डिटेल डालना होगा। सबसे ऊपर आपको अपना ATM कार्ड का आखिरी का 6 नंबर इंटर करना है। दोस्तों, ATM कार्ड 16 नंबर का होता है या 19 नंबर का होता है, उसका आखिरी का 6 नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके नीचे आपको अपना ATM कार्ड का वैलिड डेट यहाँ पे डालना है, मंथ और ईयर। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपके जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा और यहाँ पे OTP सबसे ऊपर आपको डालना है। इसके नीचे आप जो UPI पिन सेट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको डालना है। दोस्तों, किसी किसी बैंक में 6 नंबर का UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आता है, किसी किसी बैंक में 4 नंबर का UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नंबर का UPI पिन सेट करने का आया है, तो यहाँ पे हम 6 नंबर का UPI पिन सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आप UPI पिन सेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको राइट क्लोव पर क्लिक करना है। कन्फर्मेशन के लिए आपने जो UPI पिन को डाले थे उसी पिन को दोबारा से डालना है, फिर आपको राइट क्लोव पर क्लिक करना है तो आपका UPI पिन सेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा UPI पिन सेट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे जो आप UPI पिन को सेट किए हैं, इस पिन को याद भी रखना है, क्योंकि आप जब भी अपना बैंक के साथ में भीम UPI ट्रांजेक्शन कीजिएगा उस समय आपसे
ये UPI पिन मांगा जाएगा। अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है चेक बैंक बैलेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। जिस आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके जहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ है और आपके अकाउंट का आखिरी का 4 नंबर लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों जो आपने UPI पिन को सेट किए हैं उस पिन को यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको राइट क्लिक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा समय तक वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके खाते में जितना बैलेंस होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप फोनपे अकाउंट बना सकते हैं और फोनपे में बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं फोनपे से पैसे ट्रांसफर कैसे किया जाता है, मोबाइल चार्ज कैसे किया जाता है या कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है, तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या कोई क्यूरी है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।